भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश की ताकत ही युवा वर्ग है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या आज भी युवाओं के सामने मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में सरकार ने युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ प्रावधान किए हैं, आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश। युवाओं के लिए क्यों है ये खास? ये बजट क्या कहलाता है? मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। उम्मीदों का बजट पेश हो गया है, अटकलों के बाजार पर अब विराम लग चुका है। मोदी सरकार इसे शानदार और जनहित वाला बजट बता रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सप्तर्षी बताया, जिसमें युवा शक्ति पर खास जोर दिया। इस बजट की प्राथमिकताएं, इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक दूसरे का संपूर्ण करती हैं और अमृतकाल के दौरान हमारा मार्ग निर्देशन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। युवा शक्ति देश के विकास के लिए बैकबोन होते हैं, लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का ऐलान किया है। हमारे युवाओं को सशक्त करने के लिए और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए हमने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। जाहिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को रोजगार में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही इससे युवाओं को नए अवसर भी मिलेंगे। इस बजट में मोदी सरकार के फिक्र सिर्फ इतने भर ही नहीं सीमित है। देश के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों के लिए तैयार हो सकें, इसका भी ध्यान रखा गया है। सरकार नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाएगी, महत्वपूर्ण डेटा तक युवाओं की पहुंच होगी, इनोवेशन और रिसर्च में युवाओं को आसानी होगी, स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों को मदद मिलेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए। जाहिर है मोदी सरकार के आखिरी बजट में युवाओं के लिए ये कोशिश बेहद सराहनीय है। कहीं न कहीं इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिलेगी, लेकिन देखना ये होगा कि ये पॉलिसी कागजों से निकलकर धरातल पर कब नजर आएगी और युवा इसका कितना फायदा उठा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।